सर गोहाना पहुंचे हैं और क्या कहना है, जिस तरह से आप पार्टी ने गोहाना से उम्मीदवार उतारा अपना, अब स्टार प्रचारक की ड्यूटी भी लगा दी है, क्या रहे? पार्टी ने स्टार प्रचारक बना के एक अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली। आज गोहाना पहुँचे हैं भाई अशोक जैन जी के समर्थन में। सबसे पहले मैंने जोन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पानीपत सोनीपत का प्रभारी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, वार्ड वाइज क्या हमारी तैयारी चल रही है उसका जायज़ा लिया, सभी की सलाह ली और जो अच्छा लगा उस हिसाब से आगे वार्ड कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए एक हमने आपस में सहमति बना के हर वार्ड को डोर टू डोर कैसे कवर किया जा सकता है, जिससे हर घर हर आदमी हमारे टच में आ जाए, हर घर तक हर आदमी तक आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उसको हम पहुंचा सकें। और भाई अशोक जैन जी की फ़ोटो और अशोक जैन जी का नाम हर घर तक पहुंच जाए, इस पे हमने काम करते हुए आज थोड़ा समय संगठन पे लगाया और अब हम आपके बीच में हैं। इस तरह से स्टार प्रचारक ड्यूटी लगाई आपने, कौन कौन बड़ा और लीडर पहुँचने की उम्मीद है? देखिए 59 हमारे साथियों की ड्यूटी लगी है, जिसमें संजय सिंह जी, पंकज गुप्ता जी, राघव चड्ढा जी, सुशील गुप्ता जी, बहुत बड़े बड़े चेहरे दिल्ली के, कुछ MLAs हैं दिल्ली से, कुछ MPs हैं, सबकी ड्यूटियां हरियाणा में लगी हैं। सभी लोग आएंगे बारी बारी, जैसे जैसे रूट बनेगा रूट के हिसाब से हर नगर पालिका नगर परिषद में लगभग लगभग सभी स्टार प्रचारक पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा जो हमारी नीतियाँ हैं आम आदमी पार्टी, नगर परिषद का नगर पालिका के चुनाव हैं, इसमें जो मेन मुद्दे होते हैं नालियों के, लाइटों के, सड़कों के, लोगों की को जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो मुहैया कराना, वो सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के पास रहेंगे और मुद्दे ही नहीं रहेंगे, आम आदमी पार्टी हमेशा गारंटी लेके आती है और आप लोगों के बीच भी बहुत जल्द आम आदमी पार्टी बहुत एक गारंटियाँ लेके आएंगी, जिनको नगर परिषद और नगर पालिकाओं में आने वाले 5 साल में पूरा किया जाएगा। इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक बीजेपी JJP गठबंधन है, यहाँ पुराने प्रत्याशी को उतारा दोबारा से, तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या लगता है? सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बीजेपी और JJP का गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। आप लोगों को पता है कि पिछले एक महीने में 3 से 4 बार ये लोग अपनी बातों को, अपनी स्टेटमेंटों को बदल चुके। पहले बीजेपी ने कहा हम नगर पालिका अलग लड़ेंगे, फिर इनको लगा कहीं राज्यसभा में तुम्हारे को दिक्कत आ जाए, तो फिर इन्होंने कहा दिग्विजय जी को साथ लेके कि जी हम नगर पालिका इकट्ठे लड़ेंगे। अगले ही दिन अजय चौटाला जी कहते हैं नहीं जी हम तो अलग लड़ेंगे। तो पब्लिक सब जानती है ये मौका प्रस्त लोग हैं, एक राज्यसभा की सीट पाने के लिए इन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल दी, 3 से 4 बार वो स्टेटमेंटें बदली गई। क्या लोगों के साथ ये ठगबंधन नहीं है? लोग सब समझते हैं, आने वाला जो 19 तारीख है लोग इसका जवाब देंगे। JJP और BJP बिल्कुल बैकफुट पे खड़े हैं। आज अगर हरियाणा के अंदर कोई पार्टी उभर के आ रही है और विपक्ष में भी काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन BJP के सांसद तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में विरोध ही नहीं है। सर आप देख सकते हैं कि जब से हमने पंजाब जीता है तब से BJP के किस किस नेता का मैं नाम लूँ, मेरे लेवल पे थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा, जिसने अप्रोच नहीं किया कि मुझे आप अपनी पार्टी मिलेंगे। आम आदमी पार्टी में आने के लिए BJP और कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कोशिश की, बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश की, किसी ने हमारे थ्रू एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात कह दी कि पहले दिन 4 से 6 विधायक हमने पार्टी में ज्वाइन कराए थे XMLAs, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कराएंगे, जो हो चुके हो चुके, पहले हम उनका पूरा वेरिफिकेशन कराएंगे, उनकी बैकग्राउंड कैसी है, बैकग्राउंड चेक कर करके किसी के ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई किसी ने कहीं बलात्कार का आरोप नहीं है, कहीं उसने पूरे सिस्टम को ठग ना लिया हो इस तरह से कि आपका प्रोजेक्ट है और सारे पैसे वही डकार गया हो, इस तरह के आरोप अगर किसी भी XMLA पे, XMP या मौजूदा MLA MP पे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम इनको एंट्री नहीं करने देंगे। लेकिन अभी हालात में जो है कई आपके नेताओं पे है दिल्ली में, अच्छा पंजाब में, उन पे आरोप लग रहे हैं। अभी आप दिल्ली की बात करें, आप सत्येंद्र जैन जी की बात करें, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी अभी आपने देखा कि ED ने उनको
उठाया और दो दिन के बाद कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि ये दोषी नहीं है, हमने इनको वेरिफिकेशन के लिए उठाया। तो आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है, क्या धक्का, ये धक्का सही नहीं है तो क्या है। मैडम आप भी यहाँ पहुँचे हैं, महिला हो, और किस तरह का प्रचार अब रहेगा जिस यहाँ? पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया साथियों का। देखिए हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस तो ख़त्म ही है, कहीं आका ही नहीं है उनके, तो कुछ भी नहीं बचा है। और जहाँ जीतती है वहाँ बिक जाती है। और भाजपा बहुत ही भयानक तरीके से डरी हुई है, आपको, आप सभी जानते हैं इस बात को, कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला पंजाब में, तीन बार दिल्ली में सरकार बन चुकी, काम के बेस पे, सिर्फ आम आदमी के मुद्दों पे, और सिर्फ मुद्दे नहीं है कि काम करके दिखाया है, और पंजाब की जनता ने भी समझ लिया। उसके बाद हरियाणा में हर जनता हर जगह, बहुत लोग आपको पता है हज़ारों की संख्या में उसी दिन से जुड़ रहे हैं हरियाणा में। लेकिन अब देखिए कि चुनाव का टाइम है, और हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं गोहाना से, वो जहाँ भी जा रहे हैं गोहाना की जनता दिल खोल के उनका स्वागत कर रही है। जनता कहती है कि आप आए, हमें आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप चेयरमैन बन गए हो। क्योंकि जनता बहुत परेशान है, कोई मुद्दा ही नहीं है भाजपा के पास, कोई विकास कुछ किया होगा तो विकास होगा ना, कुछ किया ही नहीं है इन लोगों ने। हर तरीके से रोड देखिए बिल्कुल ख़राब है, ना बिजली है ना पानी है, कोई देखने वाला नहीं है, सीवर की प्रॉब्लम है हर जगह। अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं अशोक जैन साहब, वो बता रहे थे कि एक माता ने उनको हाथ जोड़ के 6 फीट नीचे वो रहती हैं, उनको 2 महीने हो गए सूरज देखते हुए, उनको कभी कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो जनता को आस है, जनता को उम्मीद है, आशा है कि एक आम आदमी है, केजरीवाल की पार्टी है जो आम लोगों के लिए है, तो बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य ज़मीनी स्तर पर जो हमें चाहिए मूलभूत सुविधाएं हर चीज़ के लिए मुहैया कराती है। और यहाँ पे आम आदमी ही नेता बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, जनता की सेवा करने वाला, और जनता ही उसको बताती है कि कैसे काम करना है और क्या चाहिए, जनता के ही द्वारा बताया जाता है और जनता ही करवाती है। तो यहाँ पे एक बस प्रतिनिधि के तौर पे चुना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आम आदमी हर एक व्यक्ति चेयरमैन होगा अपने आप में, जहाँ गोहाना की जनता के लिए। तो बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा है और बहुत अच्छा माहौल है, और ये सीट हमारी बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से हम जीत रहे हैं। बीजेपी की जो मौजूदा प्रत्याशी है, पिछले 5 साल यहाँ चेयरपर्सन रही है, उन्होंने कहा कि हमने गोहाना के 120 करोड़ रुपये का विकास कराया, बनवा दी, नालियों को ढकवा दिया, सभी चौकों पर जो है मूर्तियों को जो है दोबारा से उसको रेनोवेट करा दिया, यानी कोई कमी नहीं छोड़ी, क्या लगता है? ये तो जब आप निकलते हैं, जनता निकलती है और वो खुद निकलती हैं, तो अपने आप विकास दिखाई देता होगा ना, कि सभी लोग आ रहे जा रहे हैं, रोड उनको सबको दिख रहा है कि रोड कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से बुरा हाल है, यहाँ पे रोड का कौन सा विकास है। जनता भी जवाब देगी उनको कि कौन सा उन्होंने विकास किया है। अभी सिर्फ 8-9 दिन बचे हैं, 1 हफ्ता बचा हुआ है, 8-9 दिन, जनता अपने आप आपको 22 तारीख को जवाब दे देगी। और जिस तरीके से झाड़ू चलने वाली है, और हरियाणा में झाड़ू चलने वाली है सारे में, और गोहाना में बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से सफाई होगी सारे भ्रष्टाचार की, और पूरे बहुमत के साथ आने वाली है। कितनी सीटें आएंगी पाकि हरियाणा में? हमारी आपको रिजल्ट बताएगा 22 तारीख को, पूरी 100% हरियाणा में बहुत बढ़िया माहौल है और बहुत अच्छे से हमारी सीटें आ गई हैं। कैसे आप पहुँचे हैं, स्टार प्रचारक भी रहे हैं आप, कलाकार भी रहे हैं, क्या कहना है अपनी कलाकारी को लेकर भी, और क्या रहेगा आप प्रचार के तौर पे? देखो कलाकार एक समाज का आईना होता है, हम भी अपने जो एपिसोड आते हैं या नाटक आते हैं उनके जरिए क्या दिखाते हैं, सामाजिक बुराइयों पे प्रकरण डालते हैं, फोकस करते हैं कि हमारे की हमारे जो जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, उनको परेशानियां क्या हैं, उसी को देखते हुए हम अपना ये प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो हमारी एक परिवार बना है, एक कुनबा बना है, ये सिर्फ वो बात है ना कि करप्शन की सफाई के लिए बना है, एक एक तिल्ली जुड़ के झाड़ू बनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तिल्ली कभी बांस नहीं बन सकती, लेकिन तिल्ली तिल्ली जुड़ के झाड़ू बन सकती है और इस करप्शन का सफाया कर सकती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अब के बार जनता मन बना चुकी है, उनको विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी मिली है और उसको पूर्ण बहुमत से जिताएगी। और आज हम गोहाना में आए हैं अशोक जैन जी के स्टार प्रचारक के रूप में, संगठन ने जो भी हमारे को काम सौंपा है
ये पूरे हरियाणा में जहाँ भी हमारे को जाना पड़ेगा हम जाएंगे और पूरी निष्ठा से हम अपना काम करेंगे। इस तरह से नहीं बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्टार प्रचारक की ड्यूटी लगाई है, हाँ। कोहाना में कितने पहुँचेंगे या सभी अलग अलग दिन यहाँ पहुँचेंगे? नहीं, तकरीबन सभी आएंगे, सभी अलग अलग दिन, अलग अलग दिन जैसे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी हमारे को, जितने जैसे भी लगेगा ड्यूटी लगेगी या हमारे को खुद भी लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमारे को ज़रूरत है जाने की, तो हम जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हम सारी चीज़ें बताएं भी कि अब तक जो आपको ठगा जा रहा था वो अब हम नहीं होने देंगे। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं और देशभक्ति यही है हमारी, और एक कहते हैं ना सच्चा देशभक्त है तो हमारे देश में अरविंद केजरीवाल जी हैं और ये उन्हीं का परिवार है जो आज काम कर रहे हैं, नहीं तो कलाकार को राजनीति मारने की जरूरत क्या है।